नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। हृदय रोग, लकवा, सफ़ेद दाग, दमा, हकलाहट, नपुंसकता आदि 10 रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकता है यह चमत्कारिक पौधा। दोस्तों, भृंगराज कुल का यह झाड़ीदार पौधा पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में, खासकर मध्यकालीन ग्रंथों में, इसे अकारक्रम्भ नाम से वर्णित किया गया है, जिसे हिंदी में अकरकरा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इस वनस्पति का नाम पेलीटोरी है। इस वनस्पति का प्रयोग ट्रेडिशनल एवं परम्परागत चिकित्सों में बड़े पैमाने पर होता आया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अकरकरा के 10 रोगों में चमत्कारी प्रभाव कि आप कैसे प्रयोग करें और कैसे इन रोगों को जड़ से उखाड़ पाएंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्रेजी इंडिया की तरफ से उनके बारे में। पहला, पक्षाघात लकवा। अकरकरा की सूखी डंडी महुए के तेल में मिलाकर मालिश करने से लकवा दूर होता है। अकरकरा की जड़ को बारीक पीसकर महुए के तेल में मिलाकर मालिश करने से पक्षाघात में लाभ होता है। अकरकरा की जड़ का चूर्ण लगभग आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ सुबह शाम चाटने से पक्षाघात लकवा में लाभ होता है। सफ़ेद दाग। अकरकरा के पत्तों का रस निकालकर सफ़ेद कुष्ठ पर लगाने से कुष्ठ थोड़े समय में अच्छा हो जाता है। सिर के दर्द में, यदि सर्दी के कारण सिर में दर्द हो तो अकरकरा को मुंह में दांतों के नीचे दबाए रखें, इसे शीघ्र लाभ मिलेगा। बादाम के हलवे के साथ आधा ग्राम अकरकरा का चूर्ण सुबह शाम सेवन करने से लगातार एक समान बने रहने वाला सिर दर्द ठीक हो जाता है। अकरकरा को जल में पीसकर गर्म करके माथे पर लेप करने से भी सिर दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है। दांत रोग। अकरकरा को सिरके में घिसकर दुखते दांत पर रखकर दबाने से दर्द में लाभ होता है। अकरकरा और कपूर को बराबर मात्रा में पीसकर नियमित रूप से सुबह शाम मंजन करते रहने से सभी प्रकार की दांतों की पीड़ा दूर हो जाती है। अकरकरा माजूफल, नागरमोथा, फूली हुई फिटकरी, काली मिर्च, सेंधा नमक बराबर की मात्रा में लेकर मिलाकर पीस लें। इससे नियमित मंजन करने से दांत और मसूड़ों के समस्त विकार दूर होकर मुंह की दुर्गंध भी मिट जाती है। नपुंसकता होने पर अकरकरा का बारीक चूर्ण शहद में मिलाकर लिंग पर लेप करने से, रोजाना पान के पत्ते लपेटने से लिंग का ढीलापन दूर होकर वीर्य बढ़ेगा। अकरकरा 2 ग्राम जंगली प्याज, 10 ग्राम इन दोनों को पीसकर लिंग पर मलने से लिंग की इंद्री कठोर हो जाती है। 11 या 21 दिन तक यह प्रयोग करना चाहिए और आपको अचूक परिणाम देखने को मिलेंगे। तुतलाना या हकलाहट। अकरकरा और काली मिर्च बराबर लेकर पीस लें। इसकी 1 ग्राम की मात्रा को शहद में मिलाकर सुबह शाम जीभ पर 4 से 6 हफ्ते नियमित प्रयोग करने से पूरा लाभ आपको मिलेगा। अकरकरा 12 ग्राम, तेजपत्ता 12 ग्राम तथा काली मिर्च 6 ग्राम पीस कर रखें। एक चुटकी चूर्ण प्रतिदिन सुबह शाम जीभ पर रखकर जीभ को मलें। इससे जीभ के मोटापे के कारण उत्पन्न तुतलानापन दूर हो जाता है। पेट के रोग। छोटी पीपल और अकरकरा की जड़ का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर पीसकर आधा चम्मच शहद के साथ सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करते रहने से पेट से संबंधित सभी रोग दूर हो जाते हैं। दमा, सवास होने पर, रोग होने पर अकरकरा के कपट छान चूर्ण को सूंघने से वास का अवरोध दूर होता है। लगभग 20 ग्राम अकरकरा को 200 मिलीलीटर जल में उबालकर काढ़ा बनाएं और जब यह काढ़ा 50 मिलीलीटर की मात्रा में शेष रह जाए तो इसमें शहद मिलाकर अस्थमा के रोगी को सेवन कराने से अस्थमा ठीक हो जाता है, चाहे कितना भी पुराना हो। हृदय रोग। अर्जुन की छाल और अकरकरा का चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में लेकर पीसकर दिन में सुबह और शाम आधा आधा चम्मच की मात्रा में खाने से
घबराहट, हृदय की धड़कन, पीड़ा, कंपन और कमजोरी में लाभ होता है। कुलंजन सौंठ और अकरकरा के लगभग 1 ग्राम का चौथाई भाग मात्रा को 400 मिलीलीटर पानी में उबालें। जब यह 100 मिलीलीटर की मात्रा शेष बचे तो उतार कर ठंडा कर लें। इसे पीने से हृदय के सभी प्रकार के रोग मिट जाते हैं। मिर्गी अकरकरा को सिरके में पीसकर शहद के साथ मिलाकर जिस दिन मिर्गी न आए उस दिन रोगी को चटाने से मिर्गी आना बंद हो जाता है। यह इसका अचूक इलाज है। अकरकरा, ब्राही और संखुली का काढ़ा बनाकर मिर्गी के रोगी को देने से मिर्गी आना बंद हो जाता है। 15 ग्राम पीसा हुआ अकरकरा और 30 ग्राम बीज निकले हुए मुनक्का को मिलाकर उसकी चने के आकार के बराबर की गोलियां बनाकर छाया में सुखा लें। इसे सुबह और शाम को एक एक गोली लेने से और पीसे हुए अकरकरा को नाक से में सूंघने से मिर्गी का रोग तुरंत ठीक हो जाता है। ब्राही के साथ इसका काढ़ा बना कर पिलाने से मिर्गी में लाभ होता है। अकरकरा को बारीक पीसकर थोड़ा सा शहद मिलाकर सूंघाने से भी मिर्गी दूर होती है। तो देखा दोस्तों कैसे अकरकरा इन 10 रोगों को जड़ से उखाड़ने में आपकी मदद करता है और आपको बना देता है स्वस्थ। तो दोस्तों अगर आप भी इन रोगों का सामना कर रहे हैं तो आप अकरकरा के पौधे का इस्तेमाल करके अपनी इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।